धोखा नहीं दिया किसी को, आखिरी तक साथ निभाया है। धोखा नहीं दिया किसी को, आखिरी तक साथ निभाया है। यू ना देखकर जलो मेरी जान मुझको, ये मुकाम बड़ी मुश्किल से पाया है। मेरी जर्नी आज से सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। आपको जो बक्सा पकड़ के लड़का दिख रहा है, यही अकरम ड्रीम से। आज थोड़े से बाल छोटे हो गए, लेवल बड़ा हो गया, बट बाल छोटे हो गए। सो आज से 2 साल पहले 2021 में मैंने अपनी 2CC कंप्लीट करी थी और 2022 में मैं नंबर 1 आ गया था नॉन मैनेजर बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में एक गरीब घर का बच्चा भी एक अमीर बन सकता है, सच बताऊं तो। आज नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान लगती है, क्योंकि अगर आप जॉब में जाओ, कहां पर भी जाओ, आपको इतनी स्ट्रगल है, सच बता रहा हूँ, आपकी आपके जिस्म का तेल निकाल देंगे लाखों कमाने में। आज मैं अगर 20 साल की उम्र में जिसके चेहरे पे बाल तक नहीं उगे वो लाखों कमा रहा है, तो बिकॉज ऑफ फॉरएवर। और इस फॉरएवर में आपको उतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले फॉरएवर ऑफलाइन होता था, अभी फॉरएवर, अभी ये ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है। आप घर पे बैठे बैठे ही सारी अचीवमेंट कर सकते हो, जैसा मैंने करी है। तो मैं जो स्कूल में गया था उसकी सालाना फीस आपके लिए ज़्यादा है कम है आई डोंट नो, बट मेरे फादर के लिए बहुत ज़्यादा थी। 50,000 रुपये साल की फीस थी और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। वहाँ पर लोग मर्सिडीज में भी आते थे और साइकिल पे भी आते थे। उस टाइम भी मैं बस में जाया करता था। उस टाइम मैं ये सोचने लग गया था कि आज मैं अगर मर्सिडीज में नहीं आ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे आने वाली सल्तनत ज़रूर मर्सिडीज में जाएगी, और सिर्फ फॉरएवर से पॉसिबल हो सकता है। सच बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में जब फॉरएवर आया तो लाइक घर पे बैठ गया। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं दिल्ली वालों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। मैंने अपना सुपरवाइज़र भी कर लिया, तब भी मैं अपने अप्लाइंस से नहीं मिला। मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए बेस भी तैयार कर लिया, तब भी मैं अपने अप्लाइंस से नहीं मिला, सिर्फ कॉल कॉल पे। देख रहे हो पहले की नेटवर्क मार्केटिंग में आज की नेटवर्क मार्केटिंग में कितना डिफरेंस आ गया है। काम करने के लिए जगह नहीं थी, बट सपने बहुत बड़े थे कि कुछ करेंगे, एक ना एक दिन हमारी भी ऑफिस खुलेगी, एक ना एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। तो घर पे बैठ के मैंने काम स्टार्ट किया, और जब काम स्टार्ट किया, आपको तो पता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल सबकी लाइफ में आती है, बट ऐसी खतरनाक स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं आई कि बहुत सारी मेरे को स्ट्रगल करनी पड़ी। क्योंकि आज कंपनी मैनेजमेंट इतना अच्छा है और आपके मेंटोर्स का सिस्टम इतना अच्छा है कि बस आपको प्लग इन करना होता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक पास होती है। खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से। आज अगर आप AS हो, आज अगर आप सुपरवाइजर हो, तो आपको ये 4 पेपर तो ज़रूर देने पड़ेंगे, आपको खुद से भी जीतना पड़ेगा, खुदा से भी जीतना पड़ेगा, अपनों से भी सामना करना पड़ेगा, और अपने सपनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें अगर आप करोगे, सच बता रहा हूँ, जहाँ पर ये लाइन खड़ी है मेरे को बैठने जगह नहीं मिली थी और ना मेरे को कोई पहचानता था, आज मैं खड़ के आज मेरे मेंटोर के साथ व्हाइट सोफे पे बैठा हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे हाथ कप रहे थे, मतलब मैं व्हाइट सोफे पे कैसा बैठ गया। मतलब सपना था, जो इंसान पीछे खड़ा था आज वो सामने बैठा है। तो जब मैंने अपना मैनेजर किया, उस टाइम मैं इस सक्सेस से निकलते वक्त एक खसम खा के निकला था कि जब दोबारा आऊँगा ना कि नंबर 1 की ट्रॉफी लेके जाऊंगा, मेरे बाप की कसम। ये मेरे वट से, और मैं उस टाइम इतना फोकस हो गया था कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं दिख रहा था, सांस कहाँ से लेनी है, मतलब खाना किधर से, कुछ नहीं, सिर्फ ये दिख रहा था कि नंबर 1 आना है। और इस चीज़ के लिए तैयार रहना, हिम्मत तोड़ना नहीं है, आंखों में उम्मीद हमेशा जगा के रहना है। जो इंसान की उम्मीद जगी रहती है, जो इंसान की हिम्मत बरकरार रहती है, वो एक दिन आसमान जरूर चीरेगा, याद रख लेना। जो इंसान आज से 2 साल पहले 1,000 रुपये खर्चा करता था, वो इंसान आज 1,00,000 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये सोच लो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितना पैसा दे रही होगी। तो मैं जब अपना और मेहनत करना, अपनी ऑफिस ओपन किया, तो मेरा काम और बढ़ने लग गया। जैसा आपने सुना तरंग सर से, शुभम सर से, के ग्लोबल लेवल पे भी नाम आने लग गया। तो उस टाइम मैं अपने लिए मोटिवेट नहीं हुआ, अपने इंडिया के लिए हुआ कि इंडिया से 2 ही बंदे ऊपर आए, एक कृष्णा अरोड़ा, एक मोहम्मद अकरम। तो उस टाइम मैं इतना मोटिवेट हुआ कि नाम नीचे जाना नहीं है, मेरा नाम नीचे चले गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंडिया से नाम आज मैं लाऊंगा, कल कोई और लाएगा, बट ये इंडिया का नाम ये लिस्ट से बाहर जाना नहीं चाहिए।
फर्स्ट टाइम कार आई मेरी फैमिली में, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए नहीं, मेरे पापा और मम्मी को ज्वाइंट पेन है। अभी वो फरवर के प्रोडक्ट्स दबा के यूज़ करते। जनरल बता रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी का लगभग 30% तो दर्द कम हो चुका है बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो इतनी जगह फिरे, मेरी 18 साल उम्र हो गई बट उनकी बीमारी दूर नहीं हुई ज्वाइंट पेन की। बट जब फॉरएवर यूज़ करे, मेरे पापा 3 मंजिल चढ़ने डरते थे, आज वो लेवर की बॉटल हाथ में पकड़ के चलते कि अपने अपलाइन का पैर हाथ कुछ भी मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना, उसको गले लगा के रखना। एक दिन आपके भी लेवल होंगे। 2 साल तो बहुत है, 1 साल में कर लोगे। आप सोचो तो सही, हरीश सर ने एक बात बोली थी, अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। एमआर में ये बात बोली थी और उस टाइम मैं सोच लिया कि अगला सक्सेस जब होगा तो यही स्टेज पे सफायर मैनेजर बन के आऊंगा। देख लेना मेरा वादा है, अगर मैंने ये बात कंप्लीट नहीं करी, जो इंसान अपनी बात का नहीं वो अपने आप का नहीं। और आप देख सकते हो एक छोटा सा लड़का यूं करके हंस रहा है, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे नहीं दिख रहे आई डोंट नो, बट उस टाइम मैं अपना लेवल अप नहीं हो रहा था, सुपरवाइजर नहीं हो रहा था और मैंने उस टाइम बहुत रोया। फिर आज देख रहे हो ये इंटरनेशनल जाके, बाली जाके चेयरमैन मनोज बन लेके कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। ये सब कुछ जब मैं रोता था, जब मैं टूट जाता था, तो एक शायरी मैंने सुनी थी, आज आपको सुना के मेरी बात खत्म करूंगा। ये जो दुख ये जो दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बात कौन सी अच्छी लगी कौन सी बुरी लगी आई डोंट नो, बट आज आपको ये कसम कहानी है जैसा मैंने कसम कही थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो ये अकरम ड्रीम्स नहीं, ये तरंग सर नहीं, ये कृष्णा सर नहीं, आप दिखोगे। ये आप अगर अपने आप से वादा कर रहे हो तो पूरा करना, एक दिन आप भी ये वर्ड बोलोगे, आई एम अकरम एंड आई एम फॉर एवर। Thank you.